subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई सिटीजन फाउंडेशनच्या वतीने नवी मुंबईतील हातावर पोट असणाऱ्या व गोरगरिबांना कोरोनाच्या संकटाच्या काळात मदतीचा हात देत आज 500 पॉकेट हे जेवणाचे वाटप करण्यात आले. या कोरोनाच्या संकटामुळे हातावर पोट असणाऱ्या तसेच गोरगरिबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. काही नागरिक दिवसभर मोरमजुरी करून जे पैसे भेटतात त्यावर आपलं कुटुंब हे चालवत असतात, पण या कोरोनामुळे सगळ्यांचंच जगणे मुश्किल केलं आहे. त्यातच नवी मुंबई सिटीजन फाउंडेशनकडून या अशा लोकांना लॉकडाऊनच्या दरम्यान सकाळ संध्याकाळ जेवण वाटप हे करण्यात येणार असल्याचे नवी मुंबई भाजप जिल्हा महामंत्री सतीश निकम यांनी सांगितले. पिछले 4 दिन से पूरा भारत लॉकडाउन में है और इस लॉकडाउन के वजह से जो दैनंदिन कमाने वाले लोग हैं, डेली वेज वर्कर्स, उनकी बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो दिन में कमाते हैं और रात को खाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कमाई आज बंद है. उसके कारण से कई परिवार भूखे सो रहे हैं. हमारी जानकारी में ऐसी भी बात आई है कि कुछ लोग तो सिर्फ पानी पीकर रात को सो रहे हैं. तो ऐसे सारे डेली वेज वर्कर्स को ढूंढ कर उन तक भोजन की व्यवस्था पहुंचाना, ऐसा एक उपक्रम नवी मुंबई सिटीजन्स फाउंडेशन की ओर से हमने आज यहाँ शुरू किया है और लगभग 500 परिवार तक रोज़ इस प्रकार का सुबह शाम भोजन पहुंचाना, ऐसी एक व्यवस्था हमारे नवी मुंबई सिटीजन्स फाउंडेशन की टीम के ओर से हुई है. हमारे संपत शेट्टी जी है, दयानंद घोसाळकर जी है, गणेश सुर्वे जी है, सुनील चौधरी जी है, महेश कापसे जी है, इन सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके ये भोजन की व्यवस्था आज यहाँ की है. तो हम नवी मुंबई वासियों से विनती करते हैं कि आप भी जहाँ जहाँ पर ऐसे भूखे परिवार आपको ध्यान में आए वहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था कम से कम हो, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. आखिर में ये समाज है, ये समाज में आज ये आपत्ति तो जागतिक स्वरूप की आपत्ति आई है, लेकिन इसका सामना करेंगे. हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने हमें आह्वान किया है कि समस्या तो गहरी है, लेकिन हम सब इकट्ठा रहेंगे, अपने अपने आजू बाजू के लोगों की का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित ही एक दिन इसमें से हम बाहर आ जाएंगे, ऐसा विश्वास हम सब के मन में है. और उसी में एक थोड़ा सा एक भूमिका इस प्रकार की हमने अदा की है और हमारा ये निश्चय है कि 14 अप्रैल तक इन सारे परिवारों तक हम जितना हमसे संभव होगा उतना भोजन पहुंचाने की व्यवस्था हम करने वाले हैं. आज यहाँ 500 पैकेट हमने बनवाए हैं, ये 500 पैकेट अभी हम भोजन के लिए बस्ती में लेके जा रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज टुडे. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे. क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़.